कभी कभी जब हम प्रोजेक्टर लगाते हैं तो हमें ये वाली प्रॉब्लम हमेशा दिखाई देती है कि हमारी स्क्रीन जो है वो आउट ऑफ रेंज आ रही है। हम प्रोजेक्टर लगाएं, एलसीडी लगाएं, कभी भी अगर ये वाली प्रॉब्लम आ रही है आउट ऑफ रेंज, तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, आज उस पर हम बात करेंगे। तो उसके लिए हम लैपटॉप पर चलते हैं। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सबसे पहले हम ड्राइवर को अपडेट करेंगे और फिर हम रेजोल्यूशन को ठीक करेंगे। तो ड्राइवर अपडेट करने के लिए हम माई कंप्यूटर या माई पीसी पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, मैनेज में जाएंगे और डिस्प्ले ड्राइवर में जाएंगे। अब यहाँ पे हम डिस्प्ले अडैप्टर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे इंटेल के ड्राइवर पे राइट क्लिक करके इसे अपडेट करेंगे। मेरे सिस्टम में लेटेस्ट अपडेट है इसलिए कोई अपडेशन नहीं होगा, लेकिन आपके सिस्टम में अपडेशन हो सकता है। अब हम इसे क्लोज करेंगे और हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक में हम डिस्प्ले सेटिंग के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे दो प्रोजेक्टर, दो मॉनिटर आ रहे हैं, 1 और 2। वन मेरा डिस्प्ले लैपटॉप का है और दूसरा हमारा प्रोजेक्टर का है। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे एडवांस डिस्प्ले सेटिंग के अंदर और यहाँ पे आप देखेंगे इंटरनल डिस्प्ले है और एक दूसरा डिस्प्ले हमारा इन फोकस है। इंटरनल डिस्प्ले लैपटॉप का है और जो इन फोकस है हमारा, ये हमारे प्रोजेक्टर का डिस्प्ले ड्राइवर है। इसको सिलेक्ट करेंगे इन फोकस को। रिमेंबर कि हम प्रोजेक्टर का ही सिलेक्ट करेंगे, आपके यहाँ पे कोई दूसरी कंपनी का हो सकता है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर हम नीचे जाएंगे और जो इसका हर्ट्स है उसको 60 हर्ट्स पे सेट करेंगे। मोस्टली प्रोजेक्टर 60 हर्ट्स पे काम करते हैं। अब ये रिफ़्रेश करके हर्ट्स को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, बट अभी भी रेजोल्यूशन ठीक नहीं होगा। तो हम यहाँ पे फिर डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे, लिस्ट ऑफ मोड में जाएंगे और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लेटेस्ट एसडी मोड सेलेक्ट है, तो ये प्रोजेक्टर काम नहीं करेगा क्योंकि ये पुराना प्रोजेक्टर है। इसके लिए हम इसे अभी ट्राई करते हैं कुछ और देने का। तो हम यहाँ पे 1280x768 पे सेट करने की कोशिश करेंगे, बट ये सेट होगा नहीं क्योंकि ये इसका रेजोल्यूशन नहीं है। तो अब इसको सेलेक्ट करेंगे तो भी ये आउट ऑफ रेंज ही दिखाएगा। तो ओके किया और हमने इसको अप्लाई किया और जो भी हमने अप्लाई किया है उसको चेंज को हमने एक्सेप्ट किया कीप रेंज पे क्लिक करके, कीप अप्लाई पे। और अब देखेंगे कि ये अभी भी आउट ऑफ रेंज ही है, लेकिन जो इसका प्रोजेक्टर का रेजोल्यूशन है वो 1024x768 है। मोस्टली रेजोल्यूशन इतना ही होता है और हम इस रेजोल्यूशन को ओके करेंगे तो ये हमारा बड़े अच्छे से काम करने लगेगा। ये सेम स्क्रीन अब मेरे प्रोजेक्टर पे दिखाई दे रही है, तो मैंने इसको 1024x768 के रेजोल्यूशन पे सेट कर दिया। ये जो मेरे स्क्रीन पे है और जो आपके यहाँ पे होगा उसमें चेंज हो सकता है। 1-2 टाइम अगर आप उसको आप एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे और उसको सेट करेंगे अपने प्रोजेक्टर के हिसाब से, तो ऑटोमेटिकली आपको आपकी जो स्क्रीन है वो दिखने लगेगी और आपका प्रोजेक्टर जो है आउट ऑफ रेंज से बाहर हो जाएगा, वो आपको चलता हुआ दिखाई देगा। अब हम इसे ओके करते हैं और इसे क्लोज करते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बट बाकी जानने के लिए हम जान सकते हैं कि मोस्टली प्रोजेक्टर का जो रेजोल्यूशन है 1024x768 और 1024x800 ही होता है। अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है आप तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके, और लाइक करिए और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।